दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। आपा, ओ आपा है क्या नहीं घर में? अरे कौन है डायरेक्ट घर में घुस रहा, कोई अदब है क्या? नहीं मिट्टी पड़े दीवाने आदमी, निकल यहाँ से। अरे आपा मैं तुम्हारे फायदे के वास्ते आया, मेरे को कोई शौक नहीं है लोगों के घर में घुसने का। कोई लाज शर्म है क्या? नहीं दीवाने कही के मिट्टी पड़े तेरा सत्यानाश। हाँ ना मैं सीधा घर में घुस रहा और बोलता क्या मैं तुम्हारे फायदे के वास्ते आया हूँ, निकल यहाँ से। अरे आपा मैं बचत गट का मैनेजर हूँ, एक स्कीम बताने आया, उसमें तुमको 50,000 मिलते होना तो बोलो, नहीं तो मजा आ रहा, मेरे पास लोग बहुत लोग हैं। अरे बचत गट की स्कीम है क्या? ऐसा बोलो ना भैया। हाँ जी भैया, बहुत सुनी मैंने बचत गट के बारे में, आज तक मेरे घर ऐसी स्कीम लेकर कोई नहीं आया। आओ बैठो बैठो, अब बताओ क्या स्कीम है बचत गट की? सब बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सफूरा है। क्या कारोबार है तुम्हारा? घर वाला क्या करता? घर वाला मिस्त्री काम करता है। देखो आपा मेरे पास एक स्कीम है, अगर तुम 10 औरतों को जमा करते हैं तो हम तुमको एडिटर बना देते, उसमें 5% फायदा तुम्हारा भी होगा, उसमें तुमको लोन भी मिलेगा, बस तुम 10 औरतों को जमा करो, मैं कल आता। अरे भैया ऐसे कैसे जाने दो, रुको मैं चाय बुलाती हूँ। मुन्नी, ओ मुन्नी एक कप चाय ला गट वाले मामू को। ठीक है जल्दी लाओ चाय। कहाँ के जी तुम आपा? मैं यही की हूँ देवलगांव शाखा शाखी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? घर वाला काम पर गया और लड़का स्कूल गया है। घर तुम्हारा खुद का है क्या? हाँ जी भैया, एक एक पैसा जोड़ जमा कर हमने ये घर बनाया। चलो मेरा फोन नंबर, कभी भी फोन करना, व्हाट्सएप चलना आता क्या तुमको? हाँ जी भैया थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। कोई भी स्कीम रहे तो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज करूँगा, तुमको भी जो भी काम रहा बिंदास व्हाट्सएप पर भेज देना। अरे भैया तुम मुझे माफ करो, तुम तो हमारे फायदे के वास्ते आए थे और मैं तुमको कोस रही थी। अरे आपा माफी की क्या बात है, तुमसे हमेशा मुलाकात होगी, बस तुम 10 औरतों को जमा करो, मैं मंगल को आता। अस्सलामु अलैकुम सुल्तान आपा। वालेकुम सलाम सफूरा आपा। अस्सलामु अलैकुम सुल्तान आपा। वालेकुम अस्सलाम सफूरा आपा। अस्सलामु अलैकुम खाला अम्मी। वालेकुम अस्सलाम सफूरा। खाला अम्मी मेरे घर को गट का मैनेजर आया था, वो बोल रहा था कि कुछ करके पछताना नहीं, करके पछताने से अच्छा है। वो बोल रहा था 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 तक का लोन मिल सकता है बचत गट में। आज के जमाने में इतना पैसा कोई देता क्या भला? ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो कहाँ चलना है चलते। चलो मेरे घर चलना है। अरे आपा है क्या? आपा आप गुड मॉर्निंग, जमा कर ले 10 औरतें। हाँ जी भैया यही है वो 10 औरतें। क्या क्या नाम है तुम्हारे बोलो तो जरा? मेरा नाम शबा है। मेरा नाम सुल्ताना है। खाला तुमने नाम नहीं बताया। मेरे नाम से तेरे को क्या मतलब है, तू है कौन, तू होता कौन? अरे खाला मेरा नाम राजू, मैं गट का मैनेजर हूँ, उसमें अलग अलग स्कीम है, उसमें सबसे आसानी है कि 500 रुपए हफ्ता भरना, अगर पाबंदी से हफ्ता भरोगे तो तुमको लोन भी मिलेगा। 20,000 का लोन है, अगर तुम सब मिलकर लेते हो तो 25,000 भरना पड़ेगा, यानी 20,000 लोन के और 5,000 ब्याज के। आज के जमाने में किसी से 50 रुपए मांगो तो कोई नहीं देता। इस गट में तुम्हारा बहुत फायदा होगा, घर में किसी का बर्थडे है, शेर पानी है, निकाल लो घर से पैसे, हल्दी है, मेहंदी है, शादी है, वलीमा है, सब कामों के वास्ते पैसे लगते। चलो वो मैं तुमको देता। चलो कौन कौन तैयार है, हाथ उठा सरा। अरे खाला तुम हाथ नहीं उठा रहे। मैं हर काम अपने मियां से पूछकर करती हूँ, जाहिल औरता को क्या है किधर भी हाथ उठा रहे। मेरा मियां गरीब है लेकिन किसी चीज की कमी नहीं रखता, कपड़ा लगता सब ला कर देना, फिर मैं काय को गट के चक्कर में पड़ू, घर में पड़े सूखे टुकड़े पानी में भिगा कर खा लेना, लेकिन ब्याज नहीं लेना, और दुनिया के चोटले पूरे नहीं भी हुए तो क्या हो रहा, अल्लाह के वास्ते सबर कर लेना, फिर अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत में बेहतरीन नेमतों से नवाज लेगा। अरे खाला कुछ ही बातें कर रहे, मैं तुम्हारे फायदे के वास्ते आया। और क्यों रहा तू सफूरा के घर में, उसके आदमी के पीठ पीछे उसके घर में घुसा था क्या? मेरे घर में घुसता ना तेरा जनाजा ही निकाल देती। अरे नहीं जी खाला मैं जा रहा, कभी नहीं आऊंगा रे बापी। अरे ओ खाला तुमको क्या मालूम बचत गट के बारे में, घर बैठे बैठे मैं भी 4 पैसे कमा लेती, तुमने तो सारा खेल ही चौपट कर दिया। मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रही हूँ बल्कि इस्लाम में आराम है, और ज्यादा मालूमत होना ना, वो जल्फुद्दीन भाई का पोत्र मुफ्ती है, उसको बुलाती मैं, चाहो मुन्नी जरा मुफ्ती साहब को बुला के। मुफ्ती साहब तुमको हमारे खाला में बुला रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है खाला जान, क्यों बुलाया मुझे? मुफ्ती साहब ये औरता बचत गट के चक्कर में फंस गई, जरा बता।
और बजटगढ़ की लानत में फंसा कर इस्लाम और इस्लाम की तालीमात से दूर करते हैं। मेरी माँ बहनों जरा गौर तो करो, घट के पैसा देने वाले मर्द होते हैं और लेने वाली सब औरतें होती है। ये गठवाले डायरेक्ट मर्जी से रखता है, क्यों नहीं करते? इससे मालूम होता है